इसकी ने एक बात थोड़ी देर पहले की थी कि वो हमारी शहजादी लड़की चली गई थी ना जॉर्डन, उस वक्त मैं यंग टीनेजर थी, शहजादी सरकार में खबर आई तो मेरे अब्बा ने कहा शहजादे ने मेरी तियां नहीं वेखियां। उसके बाद ये कि जो बात करी बुशरा बिल्कुल ठीक है, और वी हैड एन एनवायरनमेंट जिसमें ये सब बड़ा पॉजिटिव था और हम लोग खुद ब खुद जैसे उससे लेते हैं। आप टीवी पे क्यों नहीं आई, आपने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? ये पढ़ने लिखने वाली मैं जरूरी तो नहीं हर बात हर करे, वैसे भी मैं बाहर भी थी और कोई इतनी जरूरी नहीं है। बचपन में बुशरा जी कैसी थी, शरारती थी? बहुत शरारती। कोई एक शरारत जो आपको याद हो? चले इसका एक मजे का वाक्या बताती हूं। सुना दे। चले जी सारे तैयार हो जाए। जी शारे नहीं नहीं बाजी नहीं, नहीं हम सबको एक बाजी को बड़ी हिस्ट्री पता है। अच्छा बाजी बताए फिर। मैं थी सबसे बड़ी, ठीक है ये तीसरे नंबर पे है। अच्छा इसको नींद बहुत आती थी तो हम लोग जब उठ जाते थे मैं और सुंबल तो ये नहीं उठती थी तो हम बोर होते थे कि ये क्यों नहीं उठ रही। तो गर्मियों के दिन तो चरपाइयाँ सहन में होती थी तो सुबह सुबह मक्खियाँ और धूप आ जाती थी, हम लोग उठ जाते थे ये नहीं उठती थी तो हम लोग उठा के इसकी चरपाई बार बार धूप में रखते थे कि ये उठे, ये फिर भी नहीं उठती थी। मक्खियाँ इसके मुँह पे आते थे ये फिर भी नहीं उठती थी। हम लोग इसको सारा दिन मंजी घसीटते रहते थे लेकिन ये अपने टाइम से उठती थी। मैं ना खेच के छाँव में करके फिर सो जाती थी, फिर ये डंडा डोली करके मेरी चरपाई उतरती थी। रात को कमरे में सोए हैं, बाहर सुबह उठे तो सहन में हैं। अब दो घंटे बाद बाहर सड़क पे है, समझ नहीं आ रही, यही चल रहा है। और भाई बहन प्रैंक कर रहे हैं बाजी, और ये बड़ी दोनों बहन, सुमल तो चली गई हमारी बहन, हम चारों बहनों का बड़ा एक माशाल्लाह बहुत बॉन्ड आपस में प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने कभी आपके साथ कोई शरारत नहीं की? ये तो आपने उनके साथ शरारत की ना, मैंने तो कहा इनका कोई वाकया सुना है। नहीं बाजी का, बाजी का बड़ा रोब था भाई, बाजी से ये तो बेचारी सो रही थी, इनको क्या पता कहां मंजी चली गई। नहीं ये इसकी चले बताती हूँ कि इसको चावल खाने का बड़ा शौक था। अच्छा तो हम लोग जब घर में कभी नहीं भी पकते थे, कभी रोटी पकती थी, इसने जरूर चावल खाने होते थे। तो हमारा एक नौकर था तोफैल, तो उसने इसको मिलाया हुआ था आपस में, तो हम लोग रोटी खा रहे हैं और ये वो चावल इसके लिए पका के तो पंखे के ऊपर लटकाते थे कि हमें नजर नहीं आते थे। अम्मी आती कहती है चौल के पकाने खुशबू आ रही है ये हम, उसने कहा कोई भी नहीं कुछ भी नहीं, हमारा खानसामा कहता कोई भी नहीं, पता चला वो ऊपर जो पंखे का कुंडा उसके साथ पतीली टंगी थी। वो इसलिए आती होगी ना क्योंकि वो पंखा चलता होगा तो पूरे कमरे में भी चावल की आवाज। नहीं वो पता नहीं लगता था ना कि चावल पक के छुप चुके हैं ऊपर। ये माशाल्लाह ए तुफैल है, तुफैल है स्पाइडरमैन है जेड़ा पक्के से चढ़ के चावल रखते था। उसको भी था ना शौक। तो बहुत सी है, बहरहाल प्लीज कैरी ऑन। बाजी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये जो आपकी स्टोरीज हैं आपने इनके ऊपर भी एक किताब लिखी है, मैं आपसे आज एक बात पढ़ते नहीं लोग नहीं वो कह इन बातों जी के ऊपर एक किताब लिखा है सब पे बहनों पे। हाँ हमारी बाजी की किताबें बहुत सारी, उसमें से एक का नाम है चार चांद, चारों बहनों का नाम टाइटल पे। ये मैं इसको अमेज़न प्राइम पे और किंडल पे रजिस्टर लाहौर से ले सकते हैं संगे मील से। मैं चाहता हूँ दुनिया पढ़े चार चांद, चार बहनों की कहानी, माशाल्लाह कहानियां हैं काफी, बचपन काफी खाके हैं। जो हमारी बहन जो चली गई सुंबल, इनसे छोटी मुझसे बड़ी, उसका भी है, हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर खाके हैं बड़े दिलचस्प माशाल्लाह। अल्लाह ताला फुप्पी भी थी, उनकी भी 12 किताबें थी। अच्छा। तो खानदान में ये एक अलग ट्रैक है। मैंने 11 सीरियल लिखे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 50 सिंगल प्लेज लिखे हैं, लेकिन ये जरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल काम है, हम तो ड्रामे श्रामे लिखते हैं। नहीं माशाल्लाह आपका भी काम बड़ा मजेदार है, और अल्लाह ताला आपकी बहन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी आखिरत में उनको एक अच्छी जगह दे। थैंक यू, आपके लिए तालियां बाजी, थैंक यू सो मच। और जरूर बताना चाहूंगी, आपको पता भी होगा कि गवांड ने जो हमारा पीस सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, वो भी नीलम बाजी ने लिखा था। आपने लिखा? तो इसी के साथ मैं चाहूंगा हम शो का जो सिलसिला है वो आगे लेकर चलें और अपने शो की एनर्जी को और इंक्रीज करें। हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं लिप सिंक बैटल।
और तो हमने करना है, लेकिन उससे पहले जब नूर जहां जी का कोई गाना लगता है तो क्या आपकी माइंड मतलब में हाय 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 जो करी थी ना कि बड़ा कुछ करने को दिल चाह रहा वो हो नहीं पा रहा मुझसे मतलब कि मैं आता है मुझे पर मैं इतने पैसे नहीं ना मिले नूर जहां जी के बारे में क्या कहेंगे आज आप इन इनको जो ये जो यूथ है जिन्होंने उनके लाइफ कभी उनको नहीं देखा क्या कहना चाहेंगे आप उनके क्या क्या कहूँ कि वो मैं पूरी आ सकूँ क्योंकि उनके लिए हम इतना कुछ कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी सिंगर तो वो थी ही थी मगर जो एक प्यारी शख्सियत थी ना जो उनका उनका आप मैं सच बात बता रही हूँ यानी कि वो उनके बारे में आप लफाजी नहीं कर सकते अगर वो खड़ी है ना तो एक लाइटें निकलती थी उनकी पर्सनैलिटी से। हालांकि वो देखिए चब्बी सी हो गई थी इतने बच्चों की माँ थी वो कोई लड़की नहीं थी वो कोई आइटम गर्ल नहीं थी मगर वो एक मैच्योरिटी के साथ भी जो उनका एक ऑरा था ना आप देखते थे तो आपको लगता था ये कोई शय है ये कोई पर्सनैलिटी है। गा भी नहीं होती थी तब भी लगता था कि वो कोई शख्सियत है। सो और उनका जो सुर का लगाना और जो लफ्ज़ों का की अदायगी है ना हमने गाना कहाँ सीखा हमने तो उनसे ही सीखा। जिस तरह वो हर एक्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशंस अपनी आवाज़ में डालती थी शी वॉज अ ट्रू परफॉर्मर एक्चुअली नॉट ओनली अ सिंगर। जिस तरह वो कॉम्बिनेशन और हसीन दिल करे कि आप उनकी स्किन को हाथ लगा के देखिए कि क्या है एक प्यारी सी खूबसूरत सी प्यारी सी। कभी आपको मौका मिला हाथ लगाने का? नहीं मैं भाई मैं तो डरती थी। और आप भी ऐसी हैं मैं खड़ा हूँ मुझे भी लाइट्स फील हो रही हैं ये आप भी माशाल्लाह भाई वो वाली बात तो नहीं है लेकिन और आपका भी है आई हैव टू से आप लोग दूर हैं आपको फील नहीं हो रहा मुझे पूछे क्या एफर्टलेस वो गाती थी और क्या क्या गाती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ अगर आपने सही गाने को सुनना है उनकी आप गज़लें भी सुने उनके पंजाबी गाने भी सुनेंगे तो चलो कॉमन से ये कमर्शियल से गाने ये सब लोग ऐसे सुनते ही हैं लेकिन अगर किसी को गायकी का शौक है और वो कुछ सीखना चाहता है सुन के तो जो जो लफ्ज़ जैसे वो अदा करती थी ना आप जरा गौर कीजिएगा। ये अब आज की आवाम इन बच्चों को रैप चाहिए रैप तो रैप है। तू चल में आया दफा नूर जी होती तूने तुमसे कहना था रैप करके दिखा पता नहीं क्या गालियां वालियां देते रहते हैं रैप इनको क्या पता लेकिन क्या बात है मैंने एक दफा रैप सॉन्ग किया था आपको आप पैदा नहीं नहीं है? आपको पता ही नहीं दो लाइनें उसकी सुना दे रैप में तो सुर होता ही नहीं है। नहीं नहीं वो मेरा मेरी पूरी एल्बम है सीरियसली मैंने टेलीविजन पे किया था 92 में 92 में M&M के पैदा होने से भी पहले जी जी और वो था ये मेरी जिंदगी है तुम से क्या इट्स माय लाइफ एक अंग्रेजी गाना था उस पर मैंने लिखा था पूरी एल्बम इट्स नाउ और नेवर तो वो उस पर लिखा था कि ये मेरी जिंदगी है तुम से क्या मैं खाऊं ना खाऊं मैं नहाऊं ना नहाऊं मैं कल तो ना आया था मैं आज क्यों नहाऊं। आपने 92 में रैप कर दिया था? हाँ हाँ मैं पहली रैप सिंगर थी लड़का और मैं पूरी आप कभी देखे यूट्यूब पे पड़ी है मेरी वीडियो इट्स माय लाइफ ये वाली आवाज थी इट्स माय लाइफ तुम्हें क्या ये मेरी जिंदगी है।